अस्सलाम वालेकुम, फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं शाकिर सनी साहब, ये हुडा के चेयरमैन हैं। इन खुशी को लेकर आज हमारे नारन सफ़ी की पूरी जमात मिलकर इन्हें जो है एक सम्मान का यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। आज वो अवामुन्नास इनके पास क्या काम ले सकती है, इन्हीं की जबानें सुनेंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्टी का और गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे एक अहम जिम्मेदारी दी है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को लीगल तरीके से रहने में, उनकी मेहनत में साथ दूँ। लेकिन लीगल तरीका मतलब ये नहीं कि आप अक्रम सक्रम में चले जाओ और उसको लीगलाइज करने के लिए जाए। लेकिन लीगल तरीका ये है कि आपको जहाँ पे एनी डेवलप्ड साइट हो वहाँ पे आपको मकान बनाए, वहाँ पे आपको कम पैसे में ज़मीन मिले और आप अच्छे से मकान बना सकें, ताकि फिर आपको डरने की बात नहीं, रात को चौंक के उठने की बात नहीं कि पुलिस आ गया, बुलडोजर आ गया। तो लीगल तरीके से अगर आपका लैंड डेवलप होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं पूरे लोगों से इतना गुजारिश करूंगा कि आप ये इलीगल लैंड को मत खरीदिए, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी, फिर आप सरकार को ब्लेम करोगे, फिर जो इंसान है तकलीफ में आएगा। इलीगल ज़मीन से आप अपना नुकसान उठा रहे हो और किसी का नहीं। कोई लोग होते हैं अल्लाह के नाम पे और अल्लाह के बंदों को ही तकलीफ देते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। किस तरह के कोई मसाइल अगर आए सर आपके सामने तो किस तरह वो हल कर सकते हैं उसको? आगे से अभी जो पिछले जिन्होंने बना लिया, मैं नहीं था उसमें, सरकार जो एक्शन लेगा वो सरकार पे होना चाहिए। आज से आगे जितने भी इलीगल डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे, मैं उसको ज़रूर रोकूंगा और वहाँ पे अपनी सख्ती से मैं रोक के लोगों का हक जो है लोगों को दिलाने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया। आज इस मौके पर हम फ्रीडम न्यूज़ के जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।